आपने और मैंने हसीना मान जाएगी ये तो सुना था, लेकिन हसीना भाग जाएगी ये न सुना था न देखा था। लेकिन अब ये हमने सुन भी लिया है और देख भी लिया है कि हसीना जो है वो भाग गई है। जी हाँ गाइस, ये कहानी है आज बांग्लादेश की, कि उनके लोगों के अंदर, जो उनके स्टूडेंट्स के अंदर इतना जज्बा जुनून आया 54 साल के बाद, यानी कि 1971 में जो है वो पाकिस्तान से जो है आज़ाद हुआ, और अब 2024 में जो है वो इंडिया से आज़ाद हुआ है। ये दो वीडियोस हैं, पहले एक छोटी छोटी सी वीडियोस हैं, पहले एक वीडियो मुलाहिज़ा फरमा लें तो फिर मज़ीद बात करते हैं। ज़रा देखिए, ये जो पुतला आपको नज़र आ रहा है ये है जी शेख मुजीबुर रहमान का, जिसने जो है पाकिस्तान से अलहदा होने के लिए बहुत जो है ताबड़तोड़ काम किए और इंडिया के साथ मिलकर ये सारा काम कराया। देखिए ये आर्मी जो है किस तरह से है, बंगाली आर्मी जो है शेख मुजीबुर रहमान के जो पुतले लगाए गए थे उनको किस तरह से जगह जगह से उखाड़ कर फेंका जा रहा है, और जो बंगाली वहाँ पर लोग हैं, उनके जो बंगाली हैं उनके माइंड सेट जो है बड़ा ज़बरदस्त बनाया गया कि यार वाकई हमने ठीक किया पाकिस्तान से आज़ाद होकर। जगह जगह पर जो है शेख मुजीबुर रहमान और इनकी फैमिली के जो है आपको पुतले नज़र आएंगे, यानी कि जो बंगाली लोग हैं इनके जहन साजी की गई इन पिछले 50-54 सालों में और आउटस्टैंडिंग तरीके से की गई। एक और छोटी सी वीडियो मज़ीद आपको फिर डिटेल में आगे चल के बताती है, ज़रा वो ये वाली वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। ये देखिए, ये पुतला शेख मुजीबुर रहमान का था, ये तस्वीर भी शेख मुजीबुर रहमान की है, और ये देखें ये किस तरह से गिराया जा रहा है। ये आवाम चेक कीजिए कि कितनी आवाम, कितनी जोश और खरोश का, ज़रा ये देखिए, वाह भाई वाह, कमाल यार। 54 साल बाद क्या है कि बंगाली लोग और बंगाली आर्मी जो है, ये जो हुकूमत थी इनसे इतने उकता गए थे के जवाब ही नहीं, कि शेख मुजीबुर रहमान साहब ने भी जो है वो गवर्नमेंट की, उसके बाद उनकी बेटी, उनकी ये जो बेटी शेख हसीना जो है, हसीना वाजिद जो है, इसने कम पे जो है 25 से 30 साल जो है वो गवर्नमेंट की है जी बंगालियों पर। यानी कि एक जैसे ख़ानदानी गुलाम बन जाते हैं, जैसे पाकिस्तान पर शरीफ ख़ानदान ने यानी कि बड़ी लंबी अरसे तक गवर्नमेंट किया है, वैसे ही 1971 से लेकर अब तक यानी कि 54 साल हो गए 2024 तक को, तो 30 से 35 साल जो है ये से शेख ख़ानदान ने जो है बंगालियों पर आउटस्टैंडिंग तरीके से जो वो गवर्नमेंट की, और वाह मजाल है कि जो कोई भी बंदा खड़ा होकर अपने हकूक़ की बात भी कर पाए। सो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपके ख्याल में क्या लगता है, 2024 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ इंडिया से और शेख हसीना जो है वो भाग के निकली जी सीधा इंडिया में, ये चीज़ याद रखिएगा, जहाँ से आपको सपोर्ट मिलती है, फंडिंग मिलती है, सब कुछ मिलता है ना, तो आपके हुक्मरान होते हैं फिर वो उधर ही जाकर पनाह लेते हैं जी। शेख हसीना जो है पाकिस्तान में क्यों नहीं आई, शेख हसीना जो है श्रीलंका क्यों नहीं गई, शेख हसीना दुबई क्या कहते हैं उसको, सऊदी अरब क्यों नहीं गई, इंडिया में ही क्यों आई है, इस बात के जवाब आप कमेंट बॉक्स में ला दीजिए। चैनल पर पहली मरतबा तो सब्सक्राइब कर दें, मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।